रायपुर नगर निगम के अफसर गर्मी के दिनों में प्राइवेट पानी के टैंकर ठेकेदारों की व्यवस्था करने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन अमृत योजना का काम बीते 3 साल से पेंडिंग है, इसे लेकर गंभीर नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम के अधिकारी मिशन अमृत योजना पर काम नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से शहर में गर्मी के दिनों में प्राइवेट पानी के टैंकर ठेकेदारों से आम जनता तक पानी पहुंचाया जा रहा है। मिशन अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार की योजना है, इसमें जो है हर घरों में नल की योजना थी, लेकिन अभी तक से ये पहुँच नहीं पा रही जनता तक। अभी 12,000 नल कनेक्शन लगाने का टारगेट है, लगभग 4,500 कनेक्शन लगा चुके हैं, और इसके अतिरिक्त हमने 200 किलोमीटर के करीब पाइपलाइन बिछा दी है, और 7 टैंकियों का निर्माण था, इसमें 2 टैंकियां पूरी हो चुकी हैं। अभी हमारा फोकस है कि जो 2 टैंकियां पूरी हो गई हैं उसमें पानी का भराव होना शुरू हो जाए, और जो हमारे इसके पहले जो वाटर इनटेक है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसकी भी मोटर्स और पंप्स को हम नया अद्यतन करा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस है, उसमें भी काफ़ी काम में प्रगति आई है। और इसके अतिरिक्त जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं 200 MLD के, उसके अंदर भी हमने काम शुरू करवाया है। बहुत कठिनाई से उसमें ज़मीन के सारे जितने भी इशू थे सबको रिजॉल्व करवा के काम शुरू किया गया, तो अब क्योंकि सारे काम प्रगति में आ गए हैं तो उम्मीद है कि आने वाले महीनों में काफ़ी प्रोग्रेस आपको अमृत मिशन में दिखेगा। पश्चिम विधानसभा जोन क्रमांक 1 में आज पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रही, जनता काफ़ी आक्रोशित रहे, अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई विधायक भी वहाँ पहुँचे थे। क्या लगता है इसको लेकर सर, महापौर भी कांग्रेस के, विधायक भी कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं नहीं, हमारा जो हमारी जिम्मेदारी है पानी को पहुँचाना, और जहाँ जहाँ पानी पाइपलाइन से नहीं पहुँचेगा तो बोरवेल से या टैंकर से पहुँचाना, तो हमें जहाँ जहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम संज्ञान में आ रही है उसको गंभीरता से लेकर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यदि पाइपलाइन में कोई इशू है तो पाइपलाइन को दुरुस्त कराएं, अदरवाइज तत्काल व्यवस्था के लिए टैंकर्स वहाँ पे उपलब्ध कराएं करके। अभी क्या लगता है सर, इस मौसम में पानी को लेकर काफ़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन नगर निगम अभी भी कई घरों तक, कई वार्डों में पानी नहीं पहुँचा पा रही। देखिए, जो आने वाले कुछ सालों में हमारे पास 100% हमारा टारगेट है कि पाइपलाइन से पानी हर एक घर में पहुँचे, बट जब तक वह टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हमें तत्कालीन व्यवस्था के लिए पाइपलाइन का जो विकल्प है टैंकर, उसी से काम चलाना पड़ेगा। मिशन अमृत के तहत कितने करोड़ की लागत है सर? अभी जो प्रथम चरण है उसमें लगभग 400 करोड़ की लागत है, उसमें 7 टैंकियों का निर्माण है, 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण है, 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण है, 9 गार्डन्स का निर्माण है, और अधिकतम जगहों पर काम जो है वो लगभग प्रगति में है, और काफ़ी अच्छे स्तर पे अच्छी क्वालिटी का काम उसमें किया जा रहा है। For more information, log on to www.clipstar.in.